तो फिर से जो बोल रहे थे आप लोगों की कुर्ती मंगाया है मैंने, तो आया हुआ है, इसको चेक करते हैं कैसा है। ये भी वैसा तो नहीं, बट ये मुझे लग रहा अच्छा है। हाँ, ये मुझे लग रहा अच्छा है, सिंपल है, सस्ता है, अच्छा है। और ये सच है। पापा आएंगे, जाओ टीवी, तब तक आप ये सारा सामान उठा कर रख दो बास्केट में, जाओ जाओ जल्दी जाओ। इस पे ना करो, खराब हो गया, खराब कर दिया। बदमाशी करते हैं, तो इसे ओपन करते हैं, ये पार्ट थोड़ा आ जाता है ना जब डिस्टर्ब करता है। तो ये सिंपल सी कुर्ती है, ये मुझे बहुत पसंद है, कॉटन है, आप लोग भी खरीद सकते हो। देखो सिंपल कुर्ती है, मतलब ऐसे जीन्स पे पहनने के लिए मैंने लिया है, घर पे भी पहन सकती है, फिर बाहर कभी जाते हैं ठंडा ठंडा सा थोड़ा मौसम रहता है, टॉप वगैरह पहन के जाते ज़्यादा ठंडा लगता है। और ये बहुत अच्छा है, वर्क भी इसका दोनों तरफ एकदम अच्छे से है, कॉटन का फैब्रिक है और बहुत सही है। प्राइस इसका है, पार्थ बदमाशी ने 700 रुपये, मतलब 699 का मुझे ये मिला है कुर्ती। मुझे बहुत अच्छा लगा, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, इसे रख देती हूँ साइड में। कलर इसका था, दो तीन कलर था, एक हल्का ग्रीनिश पे था और ग्रीन था, हल्का पिंक था, और बट मुझे ये कलर ज़्यादा जमा, ये थोड़ा सा लाइट कलर है ना तो अच्छा लगा। पिंक वगैरह थोड़ा बाहर जाओ ना तो थोड़ा ज़्यादा ही चटक लगता है, और मुझे उतने चटक कलर पसंद नहीं आते, आते ऐसा भी नहीं आता, बट होता है ना कि सोचते कि क्या इतना वो कर देते हैं ना, सिंपल जाते, जितना सिंपल हम जाते हैं हमको उतना ज्यादा पसंद आता है। और एक ये मंगाया है, ये भी अच्छा आया है, मुझे पसंद आया है, मतलब आप नहीं सोचते कि, मुझे लगता है ना कि अगर कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिलती है तो वो ज़्यादा जरूरी है, महंगा भले ब्रांडेड हो, ब्रांडेड चीज़ों का क्या होता है, फैब्रिक वगैरह सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनकी क्वालिटी में, वरना वर्क वगैरह तो सेम ही जैसा होता है, कुछ उसमें खास नहीं होता। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों, ये भी मतलब 700 के ही लगभग है, ज़्यादा महंगा नहीं, बट ये लॉन्ग कुर्ती है और बहुत खूबसूरत है, शायद फैब्रिक रियोन है या कॉटन है, कुछ ऐसा ही है, देख के बताते हैं आप लोग को, पर तो गिर जाएगा ना सोना। आती है मम्मा, आती है, देखो तो पापा आ गए क्या, दरवाजा खोल के देखोगे, चेक करोगे। तो ये लॉन्ग कुर्ती है, बहुत खूबसूरत है, कलर भी देखो आप लोग, है ना बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना सस्ते में इतना अच्छा मिल जाए, क्या चाहिए। और ये देखो नीचे का, जैसे होता है ना फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसमें ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। इसका पिंक था कि नहीं था मुझे याद नहीं, पिंक होता तो मैं पिंक भी लेती, बट मुझे ब्लू बहुत पसंद है। देखो ऐसे पहनने पे थोड़े दूसरे जैसे दिख रहे हैं हम, नहीं तो कि खड़ा होके दिखा दो, तू हटो तो सामने से। तो ये देखो, ये डिजाइन है कुछ ऐसा, और इसमें ये दिया है डोरी, ताकि जो यहाँ पे ढीला ढीला होता है ना फिटिंग फिटिंग, उसे आप लोग बांध सको, आप लोग ले सकते हो इसे। इसका मैं चाहूँगी तो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोग भी घर पे पहनने के लिए कुछ खरीदना चाहते हो। जो पिछला वाला मंगाया था ना, रेड वाला, डब्लू वाला, फैब्रिक अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छा था, उसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था मुझे, बट वही उसका वर्क जो था ना वो मुझे पसंद नहीं आया था। वो क्या कहते हैं, और ग्लिटर ग्लिटर वाला पेंट नहीं होता है उसको, क्या बोलते हैं उस वर्क का भी कुछ नाम है, मुझे मुझे याद नहीं अच्छे से, तो वो था, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही नहीं है, पहनो फिर ड्राई वॉश के लिए दो, ड्राई क्लीनिंग के लिए दो और फिर से वो करो, और ये सब चीज़ें क्या आप हाथ से धुल सकते हो, तो मुझे ज़्यादा इजी लगता है पहनना, उसे मुझे पहनो नहीं जितना उतना ताम झाम लगता है। और ये सही है, बिल्कुल अच्छा है, देखो ये कौन सा मिरर वर्क नहीं है, मतलब वो सितारा टाइप का नहीं होता, मिरर नहीं है, प्लास्टिक का है शायद, और रेशम वर्क है, इधर गोटा पत्ती है, गोटा है, और अच्छा है, लॉन्ग ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देखो, अच्छा है, कलर जैसा दिख रहा है वैसे, बस थोड़ा सा कैमरा में लाइटेड ज़्यादा लगता है,
और ऐसे थोड़ा सा, बट सही है, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये देखो आप लोग, ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा कलर, जैसा दिख रहा है वैसा ही कलर हो रहा है। तो ले सकते हो आप लोग। ब्लू वाले की प्राइस है, आपको बता देते हैं हम, इस पर प्राइस नहीं लिखा है, इसमें टैग नहीं था क्या? ब्लू वाले का टैग नहीं है सर, ब्लू वाले पे ऐसा नहीं था। अंदर होगा कहीं, देखते हैं, नहीं था, देख के बता देंगे कितने का था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, इसे रख देते हैं, पहनेंगे किसी दिन, अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत। तो त्योहार आ ही गया बहुत सारे, अब कल फास्ट है मेरा, तो हो सकता है कल पहनूं। महंगी चीजें उतना मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं झूठ नहीं बोलती, बट महंगी चीज लगता है कि एक कपड़े पे इतना सारा पैसा लगाओ, इससे अच्छा है कि उतने पैसे में 10 कपड़े खरीद लो, रोज रोज अलग अलग पहनो। इसे रखते थे। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, गले में खराश है और सर में दर्द है। आज हमको कोई काम भी करने का मन नहीं कर रहा, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत अजीब सा लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे कुछ दिन बीत नहीं रहा है कि जैसे ही तबीयत खराब हो जाए, पार्थ को जैसे ही तबीयत खराब होता है ना वैसे ही मेरा भी हो जाता है, समझ में नहीं आता कि उसको सर्दी हुआ है उसकी वजह से कि पता नहीं किसकी वजह से मेरा तबीयत खराब हो गया। और इधर थोड़ा ज़्यादा ही हरासमेंट वगैरह हो जा रहा है, रोज़ रोज़ सारा पूजा वूजा करके खाना वाना खाने पर, मतलब पहले भी पूजा करके ही खाना खाते थे तो, बट होता है ना कि लेट नहीं होता था, पता ना कैसे इसमें थोड़ा पाठ वगैरह करने लगो तो लेट हो जाता है। तो मेरे को है कि जैसे ही बरस करके नहा के आओ, पूजा करो और नॉर्मल सा खाना खा लो, और आजकल वैसा नहीं हो पा रहा, आजकल बहुत लेट हो रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। पार्थ उधर भागा है, यूटिलिटी में बदमाशी करता है बहुत ज़्यादा, डांट देते हैं तो रोते हुए भाग जाता है, तभी उधर गया है और ये गए हैं बाहर, अभी आएंगे कुछ देर में। तो हम लोग खा रहे हैं अभी बटर स्कॉच। पार्थ क्या खा रहा है? आइसक्रीम। पार्थ खा रहा है आइसक्रीम, पार्थ की मम्मा खा रही है बटर स्कॉच, एक डब्बा आइसक्रीम हम लोगों ने खत्म कर दिया, एक दिन में नहीं किया, कल आया था और कल आधा खा गए। आइसक्रीम वाला देख बलियन आइसक्रीम। आप लोगों को समझ में आया पार्थ ने क्या बोला? बोला ये सब ब्लॉग वाला आइसक्रीम है। वैसे मेरी तबीयत खराब है बट आइसक्रीम खाने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है। ओके कोई बात नहीं है, हाँ नहीं है ना, हम ना जाएंगे, मेरा पिघल जाएगा आइसक्रीम। बबगनी मम्मी का पकौड़ा खाएगा, ओए पकौड़ा खाएगा, आलू का नो, वो वैसा नहीं बन रहा है, ये मिक्स करके बन रहा है, मिक्स करके बन रहा है। अभी दोपहर मतलब 3 बज रहा होगा, टाइम नहीं देखा मैंने, देख लेते हैं कितना, 3:30 हो रहा, और हम लोग टीवी देख रहे थे, तो हमको कुछ चटपटा सा खाने का मन करे, बहुत फीका फीका सा मन हो गया है मेरा, पता ना क्यों, प्याज काटते हुए थोड़ा सा आँख में लग गया, तो मैंने काटा हुआ है कुछ चीज़ें, आप लोग देखो। ये देखो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, संधा प्याज है और थोड़े से नॉर्मल ऑनियन मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसमें हमने डाल दिया हरी मिर्ची और ये गया बेसन, मतलब पकौड़े बहुत दिन खाए हुए हो गए, सोचा चलो बनाते हैं। तो इसमें गया कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ये गया अजवाइन। और अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से, और फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, जैसे प्याज के पकौड़े बनते हैं ना वैसे, बट ये बहुत टेस्टी लगते हैं, और जिनको आलू पसंद हो उनको तो खास करके आप लोग बना के देखना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया तो। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब तेल गरम करेंगे, तो तेल भी गरम हो गया है अच्छे से, इसमें हम एक एक करके छोटे छोटे पकौड़े फ्राई करेंगे और इन्हें हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे।
लोग आ गए गर्मा गर्म पकौड़ा। क्या किया रंग दिया है मालूम नहीं चला हमको। अरे देखे अपना भी तो रंगा है। कैसा लग रहा पकौड़ा? हम भी लेके आते हैं अपने। पास पिटाएगा फिर से? अभी गरम है। तो पापा को गरम नहीं लगता? पापा की गरम ऐसी है। तो ये मेरे पकोड़े और पास को लग गए। मिर्चा खा लिया है, तीता लग गया इसको, रो रहा है, मिश्री आ रहा है उसके लिए। अपने पापा में से उठा के अपने से खा लिया, वो निकाल के देते तो मिर्चा निकाल देते, इसे समझ में नहीं आया, खा लिया करे जा रहा है। अब मैं तो एक्स्ट्रा मिर्चा मुझे चाहिए, मुझे तीखा इतना पसंद है। पाँच मच्छर आ गया। पाँच कहाँ जा रहे हो? डांस करने। क्या करने? डांस करने जा रहे हैं? ओए ये तो बोल रहा है डांस करने जा रहा। आप बड़े हीरो लग रहे हो आज, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो आप? हम तो जा रहे हैं खिलाने के लिए। खेलने जा रहा है? खेलने के टाइम से गाना बज रहा है। उसका रुमाल ले लीजिए, एक नाक बह रहा है। चले जाएगा अभी लड़का लोग आ रहा है। हम क्या करे, वो जाने आप जाने। तो हम नीचे आए और देखे कि सब लोग डांडिया खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, अब नहीं आने का मन था, बट फिर भी आ गए। और ये देखो आप लोग, छोटी सी बच्ची भी गाने पे झूम रही है। बच्चे लोगों को भी पता होता है। अरे 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 आइए। बलून चाहिए? ये क्या होता है गोल वाला? ना ना उधर ना बच्चा लोग लिया हुआ है, वो चाहिए क्या? उधर कुछ लिया है लोग, कहीं यहाँ पे मिल नहीं रहा। क्या मिल रहा? क्या चाहिए बता दो। हाँ बंदूक चाहिए? ना ये बंदूक अच्छा नहीं है, बंदूक ले लो टूट जाता है। कह रहे बड़ा बंदूक से सियार मारता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग आ गए हैं घर, आराम करेंगे अब, जाएंगे सोने। और ये देखो यही दिखा रहे थे हम आप लोगों को, एक नेकलेस भी खरीद लिया, खरीद के पहन भी लिया मैंने, मुझे अच्छा लगा थोड़ा। पेंडेंट है देखो आप लोग, कैसा लग रहा है बताना आप लोग। 200 में दिया, वैसे बोला था पहले 100 रुपये,
बोला था वैसे 100 रुपया, लेकिन होता है ना कि भीड़ ज्यादा हो और फिर वो बोल देते हैं आप ले लो पसंद कर लो, तो बोल दे तो बोल रहे 200। हम इनसे बोले अरे बोलिए 200 दे देते हैं इसको, तो कहे ना ना ले लीजिए। इनको थोड़ा सा वो लग जाता है कि जो लोग बेचने वाले होते हैं ना, इनको उनके मुंह लग जाते हैं क्या वो कहना, इसलिए हम इनके साथ कुछ भी खरीदने नहीं जाते हैं। और मुझे अच्छा लगा, आप लोग बताओ कैसा लगा। ये नहीं खरीदा, ये मेरे पास पहले से ही था तो आज यूज हो गया, पहन लिया, अच्छा लग रहा है ना। छन 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 करता, ये बहुत पहले का ही है। ये रिंग भी मेरे पास बहुत पहले का ही था, तो एक बार ये पहना भी है शायद, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए जब देखो तब पहन लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इधर आके करो।